इसमें हम उनको प्रोवाइड करेंगे। इसमें जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है उसके साथ अभी इंशाल्लाह हम निगोशिएट करेंगे कि तफ्तान में कि हम वहाँ पे अपना कैंप कायम करें या उनको फैसिलिटेट करें, उन पर जो कुछ हम कर सकते हैं अपने लोगों के बॉर्डर के ऊपर वो भी हम इंशाल्लाह उनके साथ निगोशिएट करेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया कि 236 मिलियन हमने इनिशियली हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिए, फिर उसके बाद 1 बिलियन की हमने कमिटमेंट दी है, तो उसको जो हमने 5 बिलियन का फंड कायम करने का फ़ैसला किया है ताकि इससे निपटने के लिए। और हम जो पंजाब के अंदर हम ये भी चाहते हैं कि 1000 बेड तक की आरजी फील्ड हॉस्पिटल की भी हम तैयारी में हैं कि अगर खुदा न खास्ता कहीं ज़रूरत पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और 41 हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स वो हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो हमने बना दी हैं, और 3 जो हॉस्पिटल्स हैं वो डेडिकेटेड हैं कोरोना के लिए, मुजफ़्फ़रगढ़ में, लाहौर में, रावलपिंडी में। इसके अलावा भी हमने जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर भी जगह एलोकेट कर दी हैं, अगर इस तरह की ज़रूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो इसके अलावा जी और सेक्शन 144 वो भी पंजाब के अंदर हमने इम्पोज कर दिया है, और हेल्थ एमरजेंसी का भी पंजाब के अंदर हमने उसको डिक्लेयर कर दिया। अब कोरोना के सिलसिले में जो कुछ टेक्निकल बातें हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब मेरे साथ खड़े हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के, इन्फेक्शन डिजीज़ के माहिर हैं, वो भी आप लोगों से कुछ थोड़ा सा शेयर करेंगे। ओवर टू डॉक्टर साहब। सर ये पहले बता दें कि पंजाब में जो अभी आपने